नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप कुछ अलग ही नज़ारा देख रहे होंगे। व्हेन एवर इट रेन्स इन द मॉर्निंग आई कांट सिट एट होम। आफ्टर फ्रेशन अप आई टेक अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड आई मूव टू द गार्डन इन माय सोसाइटी एंड टेकिंग वॉक अलोंग विथ हॉट वाटर। जब हम सुबह सुबह गार्डन में घूमते हैं तो मज़ा ही आ जाता है, पूरा दिन बहुत फ्रेश हो जाता है। सो एक घंटे का वॉक हो चुका है मेरा, एकदम फ्रेश एंड अप फील कर रही हूँ मैं। अब घर जाते हैं और कुछ खाना बनाते हैं। तो आज जब मैं स्टार्टिंग ही फूड ऐसे कर रही हूँ तो मैं यही वीडियो शूट कर लेती हूँ कि व्हाट आई ईट इन अ डे। तो चलिए आज पूरा दिन आपके साथ बिताते हैं और मैं बताती हूँ कि पूरे दिन मैंने क्या खाया। सो ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बना रही उपमा। उसके लिए चाहिए सूजी, हरी धनिया, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, करी पाउडर, राई, नमक एंड लाल मिर्च पाउडर। एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें राई डालेंगे। राई क्रैकल होने के बाद करी लीव्स या करी पाउडर डालेंगे। ग्रीन चिली डालेंगे। अब स्लाइस किए हुए ओनियन डालेंगे। टमाटर डालेंगे, उन्हें सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हम सूजी डालेंगे। उसे भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। नमक डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर अगर आपको पसंद है तो, और पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हरी धनिया डालेंगे और फिर ढक देंगे। आफ्टर 2-3 मिनट्स जो पानी है वो सूजी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारा उपमा रेडी हो जाएगा। ये मेरा टाइम होता है जब मैं ब्रेकफास्ट के साथ थोड़ा टीवी भी देखती हूँ। आज मैं उपमा के साथ थोड़ा खजूर ले रही हूँ। इसके बाद हम लंच की तैयारी करते हैं। लंच में आज मटर पनीर और जीरा राइस बना रही हूँ मैं। उसके लिए प्याज, टमाटो, पनीर, मटर और मसाले, गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड धनिया। टमाटर और प्याज को हम जार में डालेंगे, मिक्सी के जार में, और उसे पीस लेंगे। एक फाइन पेस्ट बना लेना है हमको। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। नॉर्मली हम खाना सरसों के तेल में बनाते हैं। बे लीव्स डालेंगे और जो हमने मसाला पीसा है वो डाल देंगे। थोड़ी देर उसे तेल में भूनेंगे। उसके बाद हम नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसे अच्छी तरह से भूनना है। 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, उसकी पहचान है कि तेल सब साइड में आ गया है। मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब भुन गया है। अब हम उसमें अपनी मटर डाल देंगे। मटर को थोड़ा सा चलाने के बाद पनीर डाल देंगे। सिंपल सब्जी बना रहे हैं रोज़ के लिए जो हम बनाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम पानी डाल देंगे, जैसी ग्रेवी हमें चाहिए। चावल के साथ खाना इसलिए थोड़ी ग्रेवी रखेंगे हम। हरी धनिया डालेंगे और उसे ढक देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स हम फिर से देखेंगे और हमारी मटर पनीर की सब्जी जो है वो रेडी है। अब हम जीरा राइस बनाएंगे। उसके लिए कुकर रखेंगे, घी डालेंगे, उसमें जीरा डालेंगे, गरम मसाले डालेंगे, हरी धनिया डालेंगे। गरम मसाले आप अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे, पानी डालेंगे और कुकर का लिड लगा देंगे।
हमारा डिलीशियस लंच रेडी है, जिसे बनाने में बहुत मेहनत भी नहीं लगी। सैलेड और पापड़ के साथ लंच एंजॉय करेंगे। शाम को नॉर्मली मैं ग्रीन टी लेती हूँ, पर आज मौसम इतना अच्छा है कि मुझे अदरक इलायची वाली चाय पीने का मन हुआ, तो आज वही चाय बनाते हैं। दूध और पानी मिक्स करके रख दिया है। अदरक और इलायची को हम क्रश कर लेंगे, उसे डालेंगे, चाय की पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे और चाय की पत्ती डालेंगे। बॉयल आने देंगे, थोड़ा सा सिम कर देंगे। अदरक इलायची की खुशबू वाली चाय तैयार है हमारी। आप सभी जानते हो कि ये मेरा बालकनी टाइम होता है, तो बिस्किट के साथ चाय एंजॉय करते हैं। आज तो बेंगलोर का मौसम बहुत ही अच्छा है, तो चाय पीने का मज़ा ही आ गया। अब डिनर की तैयारी करते हैं। ऐसे मौसम में बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो बाजरे की रोटी के साथ बैंगन की सब्जी बनाते हैं। इसके लिए चाहिए बैंगन, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, इसमें हम थोड़ी सी मूंगफली डालेंगे और राई। कुकर में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, राई डालेंगे, राई क्रैकल होने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, टमाटर डालेंगे, मसाले डाल देंगे, हल्दी, नमक, मिर्ची, गरम मसाला। अच्छी तरह से मसाले मिक्स कर लेंगे। बैंगन डाल देंगे। बैंगन को काटकर पानी में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो काले हो जाते हैं। मसाले के साथ बैंगन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली डालेंगे और कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत पतली ग्रेवी नहीं चाहिए हमको, तो थोड़ा सा पानी डालना है। अब हम बाजरे की रोटी की तैयारी करते हैं। मैंने बाजरा लिए, आटा लिया है, नमक डाला। नमक मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा बना लेंगे। इधर हमारी सब्जी भी तैयार हो गई है, अब रोटी बना लेंगे। बाजरे की रोटी बेलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए हमने एक पॉलीथीन ली है, उसके बीच में हम लोई रखेंगे और उसे घुमाकर एक गोल रोटी बना लेंगे। बहुत पतली रोटी नहीं बनती है बाजरे की। तवा गर्म हो जाएगा तो हम उस पर रोटी डाल देंगे। एक साइड से सिकने के बाद हम उसे पलट देंगे। दोनों तरफ से थोड़े सिक जाने के बाद हम उसे फ्लेम पर, जैसे हम चपाती सेकते वैसे सेक लेंगे। चारों तरफ से घुमा घुमा कर हमें उसे सेक लेना है, जिससे कच्ची ना रहे। तो रोटी सिक चुकी है, अब उसके ऊपर हम घी डाल देंगे। अच्छी तरह से घी लगा देना है। उसे बैंगन की सब्जी, घी, गुड़ और लहसुन की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जरूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।